Assalamu alaikum, Nazreen. This is Bindia, film, television and theatre actress and singer from Pakistan. Aaj hum jis mauzu pe baat karna chahenge wo hai Palmistry with Akbar Sarhadi. Akbar Sarhadi sahab bahut hi pyare palmist hain, bahut hi sahi batate hain. Haath dekhte hain to bas aap logon ka dil khush ho jayega. इस कदर सही बातें बताते हैं. हमारा हाथ देखा था तो हमें यकीन नहीं आया था कि इन्होंने तो ऐसी वो सारी बातें बता दी हैं जो किसी को भी नहीं पता था. तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप इनसे राबता कीजिए. पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इनसे एक सवाल मुफ्त में पूछ सकते हैं. बाकी अपना पूरा हाथ दिखाने के लिए आप इनसे राबता करें और इनके चार्जेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं हैं, बड़े मुनासिब हैं, कोई भी इनसे राबता कर सकता है. YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम. प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप अपनी बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में बदल सकते हैं. आप अपनी बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में बदल सकते हैं, तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे. वैसे एक जुमला आपने अक्सर और बेशतर सुना होगा कि दुआ तकदीर को बदल देती है, दुआ तकदीर को बदल देती है, और होता भी ये है. इसके अलावा आप अपनी किस्मत, मिसाल अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको वो गुर बताता हूँ कि जिससे आप अपनी किस्मत को अच्छा कर सकते हैं और अपनी तकदीर को खुद बदल भी सकते हैं. तकदीर भी किस्मत ही का दूसरा नाम है, उसको आप बदल सकते हैं. ठीक है, तो आज हमारा मौजू यही है. तो मैं सबसे पहले तो आपको हाथ की लकीरें बना के बताता हूँ कि ये जो है ये ज़िंदगी की लकीर, ठीक है, ये है ज़िंदगी की लकीर और इसके साथ है ये दिमाग की लकीर और इसके साथ ये है दिल की लकीर. ये सारी लकीरें बाज़ वक़्त कुछ दोस्त कहते हैं कि आप हर प्रोग्राम के अंदर आप जो है ना वो लकीरें वो बना के बताते हैं, तो हमें तो पता चल गया. मैंने कहा आपको तो पता चल गया, लेकिन बहुत से हमारे नए देखने वाले हैं. एक बार हमने ये तजर्बा किया था कि नहीं बनाई थी, तो नए देखने वालों ने कहा जी हम तो आपकी वीडियो अभी से देखने लगे हैं, तो आप को हमें समझ नहीं यार आप क्या कह रहे हैं, तो आप जो ना सारी लकीरें हमें बनाकर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि कौन सी लकीर क्या है और उसका क्या नाम है. तो इसलिए मैं जो ना ये बार बार बना के बताता हूँ ताकि नए देखने वाले जो लोग हैं उनकी भी समझ में आ जाए क्या है, और पुराने देखने वालों को हो सकता है किसी को ज़िंदगी की लकीर के बारे में पता हो, दिमाग का पता हो, दिल का पता हो, किस्मत का पता ना हो कि कहाँ होती है क्या होते, कामयाबी का पता ना हो कि कहाँ होती है किस तरह होती है. तो इसलिए मैं हर प्रोग्राम के अंदर यानी टोटल लकीरें बनाकर भी आपको बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए और आपकी समझ आ जाए. ठीक है, तो हमारे एक दोस्त है, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, मगर वो कामयाब नहीं होते. उन्होंने दुनिया का हर समझे काम उन्होंने किया, जैसे तौलिए बनते हैं उस फैक्ट्री में उन्होंने काम किया, कुछ अरसा काम करने के बाद जो ना वो बिल्कुल बेकार हो गए. फिर उन्होंने क्या किया कि फ्रूट की रेड़ी लगाई, उसमें भी नाकाम हुए. कुछ अरसा चलने के बाद उनको नुकसान होने लगा. फिर उसके बाद उन्होंने परचून की एक दुकान बनाई, उसमें भी वो नाकाम हुए. नौकरी पे लगे, एक दो माह तो ठीक ठाक करते रहे, उसके बाद जो नहीं वो नौकरी भी छूट गई. इसी तरह यानी जो भी वो काम करते थे, जिस तरफ भी जाते थे, वो नाकाम होते थे. तो एक दिन वो मुझे कहने लगे आप ज़रा मेरा हाथ तो देखें कि मैं नाकाम क्यों होता हूँ, मेरे नाकाम होने की वजह क्या है, आपकी समझ में कुछ आ रही हो तो मुझे बता दें ताकि मेरी रहनुमाई हो जाए. हाँ, उन्होंने मुझे कहा, हाँ मुझे ये पता है, मैंने एक पामिस्ट को हाथ दिखाया था, उसने कहा था कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, तुम सारी ज़िंदगी इसी तरह ही वक्त गुजारते रहोगे. तो देखें ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आप जो नहीं सारी ज़िंदगी इस तरह का वक्त गुजारते रहेंगे. क्या देखें, अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में लकीरें बनाई हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ही इनको बदलता है और अल्लाह ताला ही फरमाता है कि आप मेहनत करो, जद्दोजहद करो, कोशिश करो. देखो
तो रंग लाना मेरा काम है, तो अल्लाह ताला उसमें रंग ज़रूर लाता है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो उसका सिला आपको ज़रूर मिलता है, चाहे जल्दी मिले चाहे देर से मिले। तो मैं आपको उस दोस्त के हाथ पे जो किस्मत की लकीर थी वो बना कर बताता हूँ कि किस तरह की थी, किस तरह वो हर चीज़ में नाकाम होता था और किस तरह वो अचानक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर बन गया। कैसे बन गया मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, उसके हाथ में जो किस्मत की लकीर थी वो कुछ इस तरह की थी, ये इस तरह की लकीर थी, ये सिर्फ इतना सा इशारा था ये, और फिर थोड़ी सी अच्छी हो गई, फिर उसके बाद ये किस्मत की लकीर इसी तरह चल रही थी, ठीक है। इस तरह उसकी किस्मत की लकीर हाथ में चल रही थी, तो मुझे कहने लगे कि देखो ये मेरी किस्मत की लकीर है, ये कहाँ से अच्छी है, ये तो अच्छी है ही नहीं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैं आपको आइडिया देता हूँ ना, आप इसको अच्छा कर सकते हैं। उसने कहा मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन कामयाब नहीं होता। देखो जो मेहनत करता है, मेहनत का सिला अल्लाह ज़रूर देता है, मैं आपको कह रहा हूँ, चाहे वो जल्दी मिले चाहे वो देर से मिले, मिलेगा ज़रूर, लेकिन शर्त यह है मेहनत करें। दूसरा ये है कि नीयत, किसी भी काम में नीयत जो ना बहुत अच्छी रखें तो बेहतर है। तो जब मैंने उसको ये कहा कि नीयत अच्छी रखें तो हंसने लग गया। तो मैंने कहा आप हंस क्यों रहे? कहते हंस रहा इसलिए हूँ कि आपने मेरे दिल की बात की। मैंने कहा क्या? कहते कि मैं एक फ्रूट वाले की दुकान में काम करने पर लग गया, कि फ्रूट वाले का फ्रूट वरूट साफ़ कर देता, गाहक आते तो उनको दे देता, तोल के दे देता, ये करता वो करता, फ्रूट वाला खाना खाने जाता तो मुझे बिठा के जाता, और चाय पीने जाता तो मुझे बिठा के जाता, यानी ऐसा होता था। और किसी दिन उसका कोई काम होता या कोई शादी वगैरह या कोई फौतगी हुई होती तो मुझे दुकान दे के चला जाता था। तो मुझे इस बात पे हंसी आ रही, मैंने कहा इसमें हंसने की कौन सी बात है कि आप कह रहे हो कि वो आपको बिठा के जाता है आप हंस रहे हो? बोला नहीं, आपने जो नीयत की बात की ना कि नीयत साफ़ रखो तो यहाँ आके मैं रहता हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे मतलब ये है कि फ्रूट वाला तो मुझ पर एतमाद करता है कि दुकान छोड़ के चला जाता है, अब मैं क्या करूँ कि उससे 1500 रुपये निकाल के अपनी जेब में डालूँ, 1500 निकाल के अपनी जेब में डाल लूँ और शाम को मुझे वो 500 या 700 रुपये दिहाड़ देता था, मैं वो दिहाड़ ले लेता था उससे, ठीक है, दिहाड़ी अपनी ले लेता था और चला जाता था, और उसको मैं डेली इस तरह का नुकसान देता था, और फिर मैं सोचता था कि उसका कितना नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा उसका और क्या होगा। तो दोस्तों ऐसा होता है कि देखो कुरान में भी है, इन्नमा अहमालू बिन नियात, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी व कामरानी ज़रूर मिलेगी, और उसके साथ साथ मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। तो उस शख्स के हाथ के जो शुरू की लकीर थी वो ये थी, उसके बाद उसके हाथ की लकीर ये हो। तो ये जो उसके हालात थे ये इंतहाई सख्त हालात थे, और जब मैंने उनको कहा कि आप अपनी नीयत को भी सही करो और मेहनत भी करो जद्दोजहद भी करो, तो पहले उसका हाथ जो था इतना नरम था कि जैसे आप ये समझेंगे लड़कियों के हाथ, क्योंकि जो बंदा मेहनत नहीं करेगा तो हाथ तो नरम होंगे, ठीक है। तो जब वो ये समझें 10 या 12 साल के बाद वो मुझे मिला तो बड़ी अच्छी हालत में था और बड़ी अच्छी पोजीशन में था। उसने कहा था जी आपने कहा था कि नीयत को बदलो, और मैंने कहा था मैं फ्रूट वाले से रोज़ पैसे छुपाता था, देखता था कि शायद उसका भी फ्रूट का कारोबार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके कारोबार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती थी, और अगर नुकसान होता था परेशानी होती थी तो सिर्फ और सिर्फ मुझे होती थी। तो प्यारे दोस्तों इस चीज़ को याद रखें, आप मेहनत ज़रूर करें और दूसरा मेहनत के साथ साथ अपनी नीयत को भी अच्छा करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आप 100% कामयाब होंगे। इसी तरह जिन्हें शुरू की लकीर देख लें और बाद की देख लें, और उसके बाद इसकी लकीर के एंड में ये बन रहा था, ये जो बन रहा है तो बहुत बड़ा क्रास है, अचानक बड़ी कामयाबी। तो शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। सबसे पहले जो हमें सवाल भेजा है, समीना एहसन ने सवाल भेजा है रावलपिंडी से, शादी कब तक होगी? अमेरिका का एक डॉक्टर है, क्या उससे हो सकती है? देखें हाथ में ये नहीं होता कि डॉक्टर से शादी होगी, प्रोफेसर से होगी या इंजीनियर से होगी, ये हाथ में नहीं होता, ठीक है, कि शादी आपके किसी प्रोफेसर से हो जाएगी, डॉक्टर से हो जाएगी, इंजीनियर से हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपके हाथ में जो शादी की लकीर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और शादी के बाद की ज़िंदगी आपकी अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छी और बहुत बेहतर है। इसके अलावा अगला सवाल क्या है, अली एहसन ने सवाल किया फैसलाबाद से, मेरी आवाज़ अच्छी है,
सिंगिंग में मेरा करियर कैसा है? प्यारे दोस्त, आपकी आवाज़ भी अच्छी है और आप ख़ुद भी अच्छे हैं। हाथ की लकीरों के हिसाब से आप फौरी कदम बढ़ाएं, इंशाल्लाह बहुत कामयाब होने वाले हैं और शोहरत मिलने वाली है। उसके बाद अगला सवाल किया है सना ने मुल्तान से, मैं कब तक अमेरिका जा सकती हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। देखें, आप अमेरिका जब चाहें जाएं, उसमें कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि आपके हाथ में 15 से 20 सफ़र हैं, ठीक है। उसके बाद सवाल किया है इरफान ने पेशावर से, दिमाग और ज़िंदगी की लाइन के बीच में जो स्टार है, इसका क्या मतलब है? ये स्टार बहुत बड़ी कामयाबी की अलामत होता है, और ऐसा स्टार आता है तो अचानक ही यानी बंद काम या गुमी हुई चीज़ मिलना शुरू हो जाती है, जैसे जायदाद हो गया, दीगर चीज़ें हो गई, या किसी ने कब्ज़ा कर लिया कुछ ऐसा, तो वो इंशाल्लाह मिलना शुरू होता है और काम मिसाल रुके हुए हैं तो वो चलना शुरू हो जाते हैं, इसका यह मतलब होता है। उसके बाद सवाल किया है अफजाल ने दुनिया से, इरफान भाई ने पेशावर से सवाल किया था, दीना से इन्होंने सवाल किया, मैं बाहर कब तक जाऊंगा, हाथ में कोई कामयाबी है? प्यारे दोस्त, आपके हाथ में सफ़र की लकीर भी मौजूद है और कामयाबी की लकीर मौजूद है, लेकिन कामयाबी का आगाज़ आपका 2021 और 2022 से होगा। अगला सवाल किया है ईमान अली ने पेशावर से, नसीब में कितने बच्चे हैं और दौलत कब आएगी? देखें, आपके हाथ में औलादों की लकीरें जो हैं वो हैं तो काफ़ी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा शौक और गहरी हैं वो दो लकीरें हैं, इसके अलावा दूसरी भी शौक और गहरी हो सकती हैं, कब होंगी ये हमें नहीं मालूम, तो बाकी जो है ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल किया है समेरा उस्मान ने लाहौर से, मेरे शौहर मेरे साथ रहेंगे, औलाद कब होगी? देखें, आपके हाथ में औलाद की लकीरें मौजूद हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से आपके आने वाली ज़िंदगी मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन कोशिश किया करें कि जज्बात में ना आए, जज्बात में आके अपनी ज़िंदगी को हराम ना करें। इसके अलावा अगला सवाल किया है रिमशा ने सवाल किया एबटाबाद से, मेरा मुस्तकबिल कैसा है, अच्छा या बुरा? आपका मुस्तकबिल भी अच्छा है और आने वाला वक्त आपको बहुत सी खुशियाँ लेके आ रहा है। उसके बाद अगला सवाल किया है मोहम्मद अली शाह ने मुल्तान से, किस्मत में अच्छा वक्त कब आएगा या ऐसे ही मजदूरी करता रहूँगा? प्यारे दोस्त, आपके अच्छे वक्त का आगाज़ 2017 से हो चुका है, लेकिन कोशिश तो करें ना, जद्दोजहद करें, यह वक्त आपका है और मज़ीद 6 साल तक रहेगा। उसके बाद सवाल किया है हमज़ा जावेद ने गुजरात से, मेरे पास कब और कितनी दौलत आएगी? प्यारे दोस्त, मेहनत करना शुरू करो, आपके हाथ में कामयाबी की लकीर पर क्रास है और ऐसे लोगों का नाम भी होता है, दौलत भी होती है और शोहरत भी ठीक ठाक होती है। अगला सवाल किया है अकरम ने इंडिया से, मुझे कारोबार में कामयाबी कब मिलेगी? प्यारे दोस्त, 2020 में किसी भी काम में बिस्मिल्लाह करें, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको कामयाबी मिलेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अल्लाह हाफिज़।